सो इन वीक 8 एंड 9 वी हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स, एंड इन वीक 10 विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेजरमेंट यूनिट, यू कैन इवन इंक्रीज द लेंथ, यू कैन जूम द स्क्रीन। आप जहाँ पर अमरेश कुमार प्रेजेंटिंग आ रहा है ना, वहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा और उसके बाद वहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो। वीक 10 एक्टिविटीज, द थीम इज एस्टिमेशन ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। इन अ स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स यूजिंग सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। एज यू नो डैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड अ स्मॉलर यूनिट वी जनरली यूज यूजिंग रूलर इज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इससे भी बड़ा यूनिट हमारे पास है, अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या, किलोमीटर। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करेंगे, और बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग लास्ट वीक में भी परफॉर्म किए हैं और अभी जो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ये कुछ यहाँ से है। वाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन इरेजर। अगर आपको हम कह दें कि इरेजर का लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, विल यू यूज सेंटीमीटर और मीटर, कौन सा यूनिट इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा इरेजर का लेंथ मेजर करने के लिए? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग विड्थ ऑफ फिंगर नेल, फिंगर का नेल मेजर करना है और उसकी चौड़ाई कितनी है, इसको आप किस में मेजर कीजिएगा? किस में? मीटर। मीटर, ये किन का आंसर है? और दूसरे लोग भी अपना आंसर बता सकते हैं। फिंगर का लेंथ और फिंगर में ही जो नेल लगा हुआ है, नाखून है आपका, नाखून का विड्थ को मेजर करेंगे तो कौन सा यूनिट यूज होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि अब आपसे हम कहें कि दिल्ली टू आगरा जाना है किसी को एंड द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड इन विच स्टैंडर्ड यूनिट, किस स्टैंडर्ड यूनिट का आप यूज करेंगे, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर? अगर आगरा तक जाना है तब उस डिस्टेंस को, दिल्ली से आगरा तक के डिस्टेंस को किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर, बहुत अच्छे। नाउ लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम बुक। दिल्ली टू आगरा तक आपने बताया कि हम लोग किसका यूज करेंगे, किलोमीटर का, बहुत अच्छे। तो अब मान लीजिए यहाँ एक एंट है, इस एक्टिविटी को आप घर पर भी कर सकते हैं, अभी भी साथ साथ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है यह, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग, यूज योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। हम लोगों ने रोप तो नहीं यूज किया था लेकिन मीटर रोप किससे बनाया था, किस एक्टिविटी की मदद से, किस एक्टिविटी की मदद से हम लोग मीटर अपना बनाए थे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पेपर का, पेपर की मदद से। तो उस मीटर रोप की मदद से आपको बतलाना है कि कोई ऐसा चीज बताएं जिसका लेंथ मोर देन 1 मीटर हो
और किसी किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ लेस देन 1 मीटर हो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेबल, मोर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर? द टेबल मे बी डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, मीटर. ओके, यू विल हैव टू मेजर इट एंड देन यू कैन राइट इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या बाद में आप वीडियो भी देख सकते हैं, वहां से पॉज करके अपने आंसर को लिखिएगा मेजर करके. विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ डोर, लेंथ ऑफ डोर. सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे और यह पता करेंगे वेदर इट इज मोर देन और लेस देन 1 मीटर. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. सेंटीमीटर्स और मीटर्स जरा ध्यान से देखिएगा. और अभी आप साथ साथ लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो, अपनी कॉपी में वहां लिखते चले जाएंगे. विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन क्या सर लिखने है ना? हाँ, यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्टली. आप आंसर केवल लिखिएगा विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन का विड्थ को मेजर करना है, कौन सा यूनिट यूज करेंगे आप, मीटर और सेंटीमीटर? मीटर. मीटर ये है कंप्यूटर स्क्रीन. अब देखिए कैसे मीटर होगा. मीटर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो आपने रोप बनाया था 10-10 स्ट्रिप्स का. उसकी मदद से सोचिएगा. Yes, we have seen that the width of computer screen will be in centimeter. Length of pagadi worn by Sikh in meter. भले ही आपको लगता है कि वो बहुत छोटा होगा, केवल उनके फोरहेड पर ही है, हेड पर ही है, लेकिन उसे बहुत बार लपेटा जाता है ना, इसलिए वह मीटर में हो जाएगा. सिमिलरली हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बनाना सेंटीमीटर. छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप का आपने यूज किया था, उससे आप अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे. वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट इन मीटर, हाइट ऑफ सुगर केन मीटर, डेप्थ ऑफ वेल एज यू हैव सेड दैट शुड बी इन मीटर, एंड मदर्स हाइट ऑब्वियसली 100 से ज्यादा था तो वह मीटर हो जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, ये भी 100 सेंटीमीटर से अधिक है, देयरफॉर दैट विल ऑल्सो बी मेजर्ड इन मीटर. And length of your father's arm in centimeter. Okay. Now, there is an activity. Actually, this is an exercise for you. Measure the correct length. इसको आप मैच करेंगे. Draw lines to match each figure with how long it can be. Length of an earthworm. अर्थवॉर्म कैन ईजली बी सीन इन रेनी सीजन. आपके आसपास अभी बहुत सारा अर्थवॉर्म दिखाई देता होगा, पतला सा छोटा सा इस तरह का होता है ना, तो इसका लेंथ किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर? देखिए लिखा हुआ भी है सेंटीमीटर. हाँ, देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास. 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर. सर 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर
सोचना है, सभी को सोचना है। आंसर हाँ, इसको पहले सोचिए आप सभी के लिए, और फिर लाइन ड्रॉ करके बताना है। आंसर अपना आप लिखिए कमेंट बॉक्स में।